मेरा मन तो है कि जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं वो आकर बोलें, क्योंकि सत्यमेव जयते जैसे सीरियल में बैठकर बोलना बड़ा आसान है आमिर खान साहब, क्योंकि वहाँ पर आप कई बार ही हमने आपके इमोशंस भी देखे, कई बार हमने आपकी बड़ी परोपकार की जो आपकी भावना है उसे भी हमने डिस्प्ले पर देखा। तो सर यहाँ पर नहीं दिख रहा, वो लड़का तो आपके साथ ही फिल्म में पीके में था भी, आप लोगों का एक एसोसिएशन भी है, तो सर आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, आपकी जो वर्चुओसिटी है, आपकी जो अच्छा करने की जो क्षमता है वो दुनिया में बहुत मशहूर है, तो सर आप प्लीज़ आगे आइए। आमिर साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा बस चले तो मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के बाद प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, आपकी मैं विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ, आप इतने अच्छे आदमी लगते हैं मुझे, बट सर आपकी चुप्पी भी मुझे समझ से बाहर लग रही है, क्योंकि बाकी लोग तो चलो ठीक है, कई लोग सिर्फ कमर्शियल बातें करते हैं, कमर्शियल बिहेवियर करते हैं, उन लोगों से तो मैं क्या उम्मीद करूं, लेकिन आमिर सर आपने सत्यमेव जयते जैसा सीरियल किया है, आप अगर चुप रहेंगे तो सर कैसे चलेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग आके आके कुछ बात कीजिए ना, मेरे अकेले से बात नहीं बन पा रही सर, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। मैं मुझसे कई लोग बोल रहे हैं कि तुम पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हो, तुम स्मॉल टाइम एक्टर हो, कई लोग मेरे जो समर्थक हैं वो मुझे कहते हैं तुम अपने आप को स्मॉल टाइम मत बोलो, मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्या हूँ, मैं स्मॉल टाइम हूँ कि नहीं हूँ, भाई मेरे मैं मुझे मुद्दा मत बनाइए प्लीज़, आई एम अ नोबडी, आप समझ लीजिए मेरा कोई फेस ही नहीं है, मेरा नाम भी नहीं है इसमें क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है वो है उस लड़के को इंसाफ दिलाना, क्योंकि अभी क्या हो गया, श्री अमिताभ बच्चन जी और उनके सुपुत्र को कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, अभी सारा का सारा ध्यान, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अमिताभ साहब तो मेरे फादर के जैसे हैं, मतलब मेरे अपने पिता नहीं है, मैं उन्हीं को ही अपना पिता मानता हूँ, अब आप सोचिए कि मैं उन लोगों को कितना प्यार करता होऊंगा जिन्हें अपने फादर की जगह दे रहा हूँ, उन्हें कुछ हो गया तो मुझे भी उतना ही अफसोस होगा जितना उनके घर वालों को होगा, लेकिन उस सब के बीच में ये केस हमारा वाला केस सुशांत का दब नहीं जाना चाहिए भाई, इसे ज़िंदा रखिए प्लीज़। और मैं सरकार से ये बोलता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि CBI बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट वो एक संस्था है जो कि है भी बहुत बड़ी संस्था है, CBI है, पुलिस है, ये लोग बहुत ओवरवर्क है, हमारा देश 137 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनके पास में रिसोर्सेज कम है, पैसे कम है, कुछ भी कम है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप हमें बोल दीजिए, सुशांत के फैंस के बिहाफ पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम लोग पैसा इकट्ठा करके आपको दे देंगे, आप बोलिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी आपको चाहिए हम लोग आपको वो पैसा दे देंगे सर, आप इसे एक पेड इन्वेस्टिगेशन समझ के कर लीजिए, हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग, हम तो हक से बोलते हैं पैसा दे देंगे आपको, फिर क्या आपके पास में एक्सक्यूज़ रह जाएगा इसे ना करने का। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से जो कि मतलब मैं उन्हें युग पुरुष मानता हूँ सर, आप तो मतलब आपके सामने मैं कुछ बोलने की भी औकात नहीं रखता, आप पर्वत हैं और मैं एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ सर आप कुछ कीजिए, अमित शाह जी आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग तो हमारे देश के जिसे कहते हैं ना कि आन बान और शान है, आप लोग प्लीज़ उस लड़के को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि सर 50 सिम कार्ड कोई नहीं खरीदता है, कौन उसके घर में आया गया ये अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग्स के CCTV से भी पता चलाया जा सकता है, आप देखिए कि पिछले 6 महीने में कितनी बार वो CCTV खराब हुआ था, उसी दिन क्यों काम नहीं कर रहा था, बड़े सारे सवाल हैं सर जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, पुलिस को आके एक एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए जिसमें इन सब सवालों का जवाब देना चाहिए उन्हें और मैं वापस एक बार फैन से कहूँगा प्लीज़ नो बैड वर्ड्स, सुशांत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है इस बात का।